तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जूलियस सीजर। ये शेक्सपियर के उन कुछ प्लेज में से एक है जो रोमन हिस्ट्री के ट्रू इवेंट्स पे आधारित है। सीधे सीधे कहूं तो बहुत ही फेमस प्ले है दोस्तों। इसे 1623 में पब्लिश करवाया गया था और इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। इस प्ले की शैली है ट्रेजिक ड्रामा और सेटिंग रखी गई है इसकी रोम में। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। इस कहानी का टाइम पीरियड है 44 BCE, जब रोम में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था। यहां एक बहुत ही लंबे अरसे से एक लिमिटेड डेमोक्रेसी यानी कि एक नाम मात्र का लोकतंत्र था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जूलियस सीजर ने, देखिए जूलियस सीजर इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का नायक है, ट्रेजिक हीरो। इसने अभी अभी रिसेंटली यहां के को रूलर पॉम्पे को सिविल वार में हराया है। देखिए आपको नाम थोड़े अजीब लगेंगे लेकिन नाम पे पकड़ बनाए रखना तो स्टोरी आराम से समझ में आ जाएगी। तो जूलियस सीजर ने पॉम्पे को सिविल वार में हराया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वो ही रोम का नया सम्राट बनेगा। कौन? जूलियस सीजर। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है, डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहता है या फिर खुद सम्राट बनकर ऐश करना चाहता है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अब जूलियस सीजर पब्लिक से, आम जनता से मिलने गया। तभी उसके सामने एक ज्योतिषी का मतलब समझते हो ना, जो भविष्य वगैरह बताते हैं, वो जूलियस सीजर के सामने आ गया और उसने जूलियस सीजर को एक वार्निंग दी कि जूलियस सीजर को मार्च के जब 15 दिन हो जाएंगे तो उस दिन सतर्क रहना होगा, उस दिन जूलियस सीजर की जान को खतरा है। लेकिन जूलियस सीजर ने उस ज्योतिषी की इस बात को अनदेखा कर दिया कि बकवास कर रहा है ये, आगे बढ़ो। तो जैसे ही जूलियस सीजर का जत्था आगे बढ़ा तो इसी भीड़ में से, इन्हीं लोगों में से एक आदमी कैसियस, इस कैसियस नाम के बंदे ने ब्रूटस नाम के एक बंदे को अपनी तरफ खींचा। अभी इसी भीड़ में है ये सब, तो इसने अपनी तरफ खींचा ब्रूटस को और कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। दरअसल ये कैसियस ब्रूटस से क्या बात करना चाहता था मैं बताता हूं। जूलियस सीजर जो है, जो मैंने आपको बताया हीरो इस कहानी का, इसकी बढ़ती हुई पावर के बारे में डिस्कस करना चाहता था। कैसियस ये मानता था कि जूलियस सीजर को रूल नहीं करना चाहिए, सम्राट नहीं बनना चाहिए, और उसने ब्रूटस को भी यही बात करने के लिए अपनी तरफ खींचा था कैसियस ने, ठीक है। तो ब्रूटस को जब ये बात कैसियस ने कही कि भाई सम्राट नहीं बनना चाहिए जूलियस सीजर को, तो ब्रूटस को भी कैसियस की ये बात अच्छी लगी, क्योंकि ब्रूटस खुद भी नहीं चाहता था कि रोम में कोई राजशाही स्थापित हो। यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ही रहे, कोई तानाशाह यहां नहीं आना चाहिए, चाहे वो उसका खुद का दोस्त जूलियस सीजर भी क्यों ना हो। तो जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, कैसियस और ब्रूटस, तो तभी वहां पे इनके पास कैस का, CASCA नाम का एक बंदा आया और इसने उन्हें बताया कि एंटोनी ने अभी अभी जूलियस सीजर को क्राउन ऑफर किया था, लेकिन जूलियस सीजर ने अपनी इच्छा से उस क्राउन पर बैठने के लिए मना कर दिया, नकार दिया। अब ये लोग इसी मुद्दे पर आगे बातचीत कर रहे थे कि आज नहीं तो कल जूलियस सीजर तानाशाह बन ही जाएगा। अब उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सीजर को असैसिनेट करना चाहते थे, यानी कि उसका मर्डर करना चाहते थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस बात को क्लियरली नहीं कहा, ओपनली नहीं कहा। अब दोस्तों इनमें से ये कैसियस जो है ना, इसको पता था कि अगर हमें सीजर को, जूलियस सीजर को हटाना है तो हमको ब्रूटस को अपनी तरफ करना ही होगा, क्योंकि ये ब्रूटस जो है इसको रोम की जनता की बहुत फिक्र है। लेकिन ये ब्रूटस इतनी आसानी से थोड़ी कैसियस की तरफ हो जाएगा, ठीक है।
तो कैसियस ने एक प्लान बनाया ब्रूटस को अपनी तरफ करने के लिए कि हम लोग कुछ जाली लेटर्स तैयार करेंगे, लेटर्स मतलब पत्र, कुछ जाली पत्र तैयार करेंगे जिनमें लिखा होगा कि रोम की जनता को सीजर से भय है, सीजर से भय है, भय एक आतंक टाइप का है उनके अंदर, मन के अंदर, मतलब रोम की जनता के मन में एक डर है जूलियस सीजर से, ठीक है, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये ब्रूटस अपने आप ही हमारी तरफ हो जाएगा। अब वो रात भी बड़ी भयानक थी, तूफानी टाइप की। कैसियस और कैस्का, इन दोनों ने उन लोगों की टीम बना ली थी जो भी जूलियस सीजर के विरोध में थे, और ये दोनों उस टीम को लेकर के, उस पूरी टीम को लेकर के ब्रूटस के घर में गए, ब्रूटस को कन्विंस करने के लिए, उसे मनाने के लिए कि ब्रूटस तुम हमारी तरफ हो लो, कुछ नहीं रखा। वहां ब्रूटस को पूरी रात नींद नहीं आ पा रही थी, वो इस डर में सो नहीं पाया पूरी रात कि सीजर, जूलियस सीजर क्या बनेगा, डेमोक्रेसी का रक्षक या फिर एक तानाशाह। अब इसके पता नहीं क्या दिमाग में आए, इसके कैसियस के लेटर्स का क्या इस पे असर पड़ा कि इसने भी तय कर लिया कि सीजर को अब मरना ही होगा। तो अब ब्रूटस भी इन सब के साथ हो लिया, और इन सब ने तय कर लिया था कि कल सुबह जब सीजर कैपिटल में एंटर करेगा तो हम उसे मार देंगे। ये कैसियस तो एंटनी को भी मारना चाहता था, ये एंटनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है दोस्तों, तो ये कैसियस तो इस एंटनी को भी मारना चाहता था, लेकिन ब्रूटस ने मना कर दिया कि हम सिर्फ जूलियस सीजर को मारेंगे, क्योंकि जूलियस सीजर ही रोम की जनता के लिए खतरा साबित हो सकता है, एंटनी नहीं। अब इन सब की प्लानिंग हो गई पूरी, तो सबके सब अब ब्रूटस के घर से रवाना हो गए, चले गए। जब सबके सब चले गए तो ब्रूटस की वाइफ पॉर्शिया उसके पास आई, ब्रूटस के, और उससे पूछा कि तुम्हारी क्या प्लानिंग चल रही है, मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में। तो ब्रूटस ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तब उसकी वाइफ पॉर्शिया ने क्या किया, अपनी जांग थाई के अंदर चाकू मार लिया, ये चीज को प्रूफ करने के लिए कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी प्लानिंग को सीक्रेट ही रखूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, थोड़ा भरोसा रखो। तब ब्रूटस क्या है, एग्री हो गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है आई होप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली सुबह हुई, जूलियस सीजर को मारने की प्लानिंग तो हो चुकी है रात में ही, तो जूलियस सीजर की वाइफ है उसने जूलियस सीजर से रिक्वेस्ट की कि आज के दिन आप बाहर मत जाइए, क्योंकि मैंने कुछ बुरे सपने देखे हैं, आज के दिन आपकी जान को खतरा है, आज के दिन आपकी जान को खतरा है, तो प्लीज़ मेरे लिए आज आप बाहर मत जाइए। तो सीजर उसकी ये बात सुनकर के हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम फालतू की चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सीजर की वाइफ क्या करती है, अपने घुटनों पर गिर जाती है और उससे एक तरह से भीख सी मांगती है और कहती है कि आज के दिन मेरे लिए आज के दिन बाहर मत जाओ। तो वो मान जाता है, क्या करे बेचारा, तो वो मान जाता है। तभी वहां पे डिशियस नाम का एक बंदा आता है, ये उन लोगों में से एक है जो सीजर को मारना चाहता है। तो ये सीजर के पास आता है और उसको चलने के लिए कहता है, तो जूलियस सीजर इसको मना कर देता है, बोला आज के दिन मेरी वाइफ मना कर रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो उसको कन्विंस कर लेता है, पता है क्या कह के, कि जनाब सीनेट के सदस्य आप पर हंसेंगे कि आप अपने पत्नी की बात सुनकर के कायरों की तरह घर में बैठे हुए हो, तो चलो जनाब मर्द बनो, मर्दों के बीच में आओ। तो सीजर के अंदर का मर्द जाग गया और वो उसके साथ चल दिया। तो अब ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करते हैं, सीधी सी बात करते हैं। जब सीजर कैपिटल में पहुंचा तो उन लोगों ने सीजर को ज्यादा ड्रामेबाजी ना करते हुए उसे मार दिया। मरते वक्त जब जूलियस सीजर ने देखा कि ब्रूटस ने भी इन लोगों का साथ दिया, जो उसका इतना वफादार आदमी था, उन्होंने इन लोगों का साथ दिया और उसे मारने में इसका भी हाथ था, किसका, ब्रूटस का, तो जूलियस सीजर को बड़ा दुख हुआ और मरते वक्त उसने ये शब्द कहे, एड टू ब्रूटे, और इतना कहते ही वो मर गया। उसके मरते ही सब लोग पैनिक हो गए, उसके जो मर्डरर्स थे वो भी पैनिक हो गए, वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जो इसको मारा है जूलियस सीजर को, तो पब्लिक यानी कि आम जनता उनका सपोर्ट करेगी इस चीज में या फिर विरोध करेगी, ये पता नहीं था किसी को अभी भी। अब एंटनी आया वहां पे,
तो इस एंटनी को इन मर्डर्स ने समझाया कि भाई हमने जो कुछ भी किया है वो एकदम सही किया है, हमें ये करना था और हमने एकदम सही किया, ठीक है। तो एंटनी ने कहा जो किया सो किया, अब लोगों में एक शांति कायम करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। अब सारे मर्डरर्स पब्लिक से रूबरू हुए, पब्लिक के सामने आए, तो ब्रूटस ने एक छोटी सी स्पीच दी सबके सामने और कहा, पब्लिक को कहा कि हमने जो कुछ भी किया एकदम सही किया, पब्लिक की भलाई के लिए किया। और इतना कहते ही ब्रूटस ने अपनी बात खत्म कर दी। अब एंटनी स्पीच देने आया लोगों के सामने और बोला कि मैं यहाँ पे सीजर की कोई तारीफ करने नहीं आया, लेकिन तुम लोगों को क्या सीजर के द्वारा किए गए सैक्रिफाइस याद नहीं है? पब्लिक को बोलता है एंटनी, यहाँ पे कहता है कि सीजर की ग्रेटनेस तुम लोगों को याद नहीं है? सीजर ने रोम के लिए क्या क्या किया था? ऐसी ऐसी बातें बोली एंटनी ने कि भीड़ भड़क गई मर्डरर्स पर। अब कैसियस और ब्रूटस को खतरा महसूस हुआ और वो दोनों मौका देखते ही वहां से भाग गए। अब दोस्तों यहां पे एक लड़ाई और चालू हो गई जिसमें एक तरफ थे एंटनी और सीजर का नेफ्यू ऑक्टेवियस। इन दोनों एंटनी और ऑक्टेवियस ने कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब ब्रूटस और कैसियस के बीच में भी आर्ग्यूमेंट होने लग गए थे। अब जाकर के ब्रूटस को यह एहसास हो रहा था कि उसने कैसियस जैसे कुटिल चालू और करप्ट आदमी पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की, और कैसियस ये सोच रहा था कि ब्रूटस जो है वो ज्यादा ही सिद्धांत वाला आदमी है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में, ब्रूटस और कैसियस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। और वहां दूसरी तरफ ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया ने भी अपने आप को मार लिया था। अब लड़ाई की एक रात पहले ब्रूटस ने सीजर का भूत भी देखा, जूलियस सीजर का भूत भी देखा, और अगले दिन लड़ाई में सीजर का नेफ्यू ऑक्टेवियस ब्रूटस से लड़ रहा था और एंटोनी कैसियस से। अब जब इस कैसियस को लगा कि इसके सारे साथी मर चुके हैं तो इसने पकड़े जाने के डर से खुद को मार लिया। ब्रूटस की भी आर्मी हार गई थी और उसने भी पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर ली। और इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से हुई कि एंटनी ने ब्रूटस की बॉडी पर आकर के उसकी तारीफ की, क्योंकि ये ब्रूटस उन मर्डरर्स में एकमात्र बंदा था जिसने जूलियस सीजर को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं मारा था, इसे रोम की जनता की परवाह थी।